अब इनिशियली डेज में आमिर खान के परिवार के कई सारे सदस्य बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव थे और ऐसे में आमिर खान ने इंडस्ट्री में अपना कदम रखा, साथ ही उन्हें अपने परिवार वालों का सपोर्ट भी मिला और वो कुछ ही समय में सफल अभिनेता बनकर उभरे। परिवार के रसूख की वजह से आमिर खान को फिल्में मिलती गईं, साथ ही उन्होंने काफी लोकप्रियता भी हासिल कर ली। लेकिन उस दौर के एक शख्स के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हालांकि आज ये शख्स बॉलीवुड का जाना माना सुपरस्टार है, लेकिन शुरुआती दौर में इस अभिनेता को काफी कुछ सहना भी पड़ा। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की, जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इन्होंने जो अपने जीवन में संघर्ष किया है वो हर किसी की बस की बात नहीं है। रेस्टोरेंट में नौकरी करने से लेकर कुछ रुपयों के लिए दर दर ठोकरे खाने वाले अक्षय कुमार ने साल 1991 में अपना पहला कदम सौगंध के जरिए इंडस्ट्री में रखा था। हालांकि इनकी पहली डेब्यू फिल्म फूल और कांटे होने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। फिल्म के कर्ताधर्ता कुकू कोहली ने अक्षय कुमार के अपोजिट अजय देवगन को कास्ट कर लिया था। हालांकि अक्षय कुमार ने कई दिनों तक फिल्म की शूटिंग भी पूरी की थी, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने इस फिल्म से अक्षय कुमार को बाहर निकाल दिया। अब ये वही दौर था जब अक्षय कुमार को लगातार रिजेक्शन का शिकार होना पड़ा था। ऐसे में उन्हें एक बार आमिर खान के साथ भी काम करने का बड़ा मौका मिला था, लेकिन वो बदकिस्मती की वजह से इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए थे। और ये फिल्म थी जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म में आमिर खान के किरदार की जमकर तारीफें हुई थी। फिल्म के गाने आज भी लोगों के जुबान पर रटे हुए हैं और इस फिल्म में आमिर खान के अपोजिट अक्षय कुमार भी नजर आने वाले थे और इसके लिए उन्होंने ऑडिशन भी दिया था। अब फिल्म जो जीता वही सिकंदर की बात करें तो इस फिल्म को आमिर खान के चाचा ने प्रोड्यूस की थी। साथ ही फिल्म का निर्देशन मंसूर हुसैन खान ने किया था, जो कि आमिर खान के चचेरे भाई लगते थे। और बताया जाता है कि फिल्म में आमिर खान फाइलन होने के बाद जब निर्देशक दीपक तिजोरी के कास्ट के लिए ऑडिशन ले रहे थे, तब इस ऑडिशन में अक्षय ने भी शिरकत की थी, वो भी ओवर एटीट्यूड के साथ। हालांकि बताया जाता है कि मंसूर खान काफी शांत स्वभाव के थे, ऐसे में सेट पर कोई बिना मतलब का शोर शराबा करे ये बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और यही गलती अक्षय कुमार से भी हो गई। और इस गलती का नतीजा ये हुआ कि निर्देशक मंसूर खान ने अक्षय को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि इस बारे में अक्षय ने भी कहा था कि मैंने दीपक तिजोरी की भूमिका के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया था, लेकिन उन्हें वो पसंद नहीं आया, मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए उन्होंने मुझे हटा दिया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। हालांकि फिल्म को उस समय मंसूर खान ने बनाया था और उन्होंने अक्षय की इस बात का जवाब अब दिया है। बॉलीवुड हंगामा से बातचीत करते हुए मंसूर खान ने कहा कि अक्षय ने जो जीता वही सिकंदर से बाहर किए जाने के बारे में जो कहा है उसने मुझे चौंका दिया है। मुझे खेद है कि मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं उनके करियर से हैरान हूँ। जिस समय हमने उनका स्क्रीन टेस्ट किया वो बहुत कड़क थे, उनका शरीर बहुत बड़ा था, बस इतना ही। आगे मंसूर खान कहते हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने रिजेक्ट किए जाने की बात कही है वो बहुत अपमानजनक और निंदनीय है। रिजेक्ट होने के बाद अक्षय ने मुझे कॉल भी किया था, चलो एक साथ काम करते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि वो खराब थे। हालांकि दीपक तिजोरी से पहले मंसूर खान ने मिलन सोमन को भी सिलेक्ट किया था। उनके बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दीपक के रोल के लिए टेस्ट दिया था और मैंने उनसे कहा था कि दीपक आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मुझे खेद है कि मैं मिलन सोमन के साथ उनकी फिजिक्स के लिए जा रहा हूं। अक्षय कुमार को मैंने कुछ नहीं कहा, शायद इस चीज़ ने उन्हें परेशान कर दिया। आखिरकार जो जीता वही सिकंदर सुपरहिट हो गई तो उन्हें झटका लगा होगा, मैं उन्हें दोष नहीं देता हूँ। हालांकि bollywoodlive.com की खबर के मुताबिक आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि दीपक तिजोरी को आखिरकार मंसूर खान ने बाद में ले लिया था, जबकि फिल्म करीब 70% से ज्यादा मिलन सोमन के साथ शूट हुई थी। बाद में फिल्म पर कुछ दिनों के लिए काम भी बंद हो गया था। जब दोबारा काम शुरू हुआ तो आमिर ने दीपक का नाम सुझाया था और बाद में उन्हें फिल्म में ले लिया गया। तो वहीं दूसरी ओर अगर अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार आज इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टारों में से एक हैं। और इस घटना के बाद बताया जाता है कि आमिर खान के साथ उन्होंने कभी भी किसी भी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। हालांकि अक्षय कुमार की अगर करियर की तरफ डालें तो उन्होंने अपने शुरुआती दौर में लगातार 14 फिल्में फ्लॉप दी थी। सौगंध के बाद उन्होंने जितनी भी 14 फिल्में की थी वो सभी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी और ये सब चलता रहा साल 1991 से लेकर 1994 तक। लेकिन इनके करियर ने पलटी मारी और इन्हें 1994 में एक बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिला और ये फिल्म थी मोहरा। राइटर और डायरेक्टर राजीव राय के निर्देशन में बनी यह फिल्म अक्षय की किस्मत को बदल कर रख डाली और उनकी 15वीं फिल्म सुपर डुपर हिट रही। साथ ही इस फिल्म में अक्षय कुमार के किरदार की भी जमकर तारीफें हुई थी। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी और अभिनव टंडन भी नजर आई और विलन के किरदार में नसरुद्दीन शाह ने काफी वाहवाही लूटी। और 1994 में इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को करने के बाद आने वाले समय में अक्षय कुमार ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री में भर बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए।
और मौजूदा दौर की बात करें तो आज अक्षय कुमार बॉलीवुड के काफ़ी बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं, जो साल भर में 4 से 5 फिल्में आसानी से कर लेते हैं। साथ ही ये इंडस्ट्री के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जो अपने रसूख के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। फिल्मों में सबसे ज़्यादा फीस लेने वालों की लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम सबसे ऊपर आता है। साथ ही अपनी लग्जीरियस लाइफस्टाइल को भी लेकर अक्षय कुमार काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि अक्षय कुमार वही हैं जो इंडस्ट्री में किसी न किसी तरह तो आ जाते हैं, लेकिन लगातार 14 फिल्में उनकी फ्लॉप साबित होती हैं। उस दौरान अक्षय कुमार को भी लगता है कि शायद अब मेरा करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। 14 फिल्में फ्लॉप देने के बावजूद जब उन्हें 15वीं फिल्म एक ब्लॉकबस्टर के रूप में मिलती है तो उन्हें भी एहसास हो गया कि मैं लंबी रेस का घोड़ा साबित होऊंगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज मौजूदा दौर में अक्षय कुमार की क्या डिमांड है। खैर, इसी कड़ी में अगर अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की तरफ डालें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार बॉलीवुड के काफी बिजी अभिनेताओं में से एक हैं, और अभी उनकी हाल ही में फिल्म बच्चन पांडे रिलीज हुई। इसके बाद वो आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं। पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, राम सेतु, मिशन सिंड्रेला, ओ माय गॉड 2 और सेल्फी जैसी कई सारी फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं, और इन सभी फिल्मों को देखने के लिए फैंस की भी एक्साइटमेंट बनी हुई है।